भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर चुका है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 लैंडर उतारा, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है। भारत का चांद पर उतरना एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके मूल में एक बेहद गंभीर सवाल छिपा हुआ है, जिसका जवाब अगर भारत ने खोज निकाला तो वो दुनिया को एक बहुत बड़ी सौगात दे सकता है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर मौजूद है। भारत का चांद पर मिशन 1 लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चलने वाला है। चंद्रयान 3 और भारत के लिए ये 14 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। इस दौरान चंद्रयान का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह से महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेंगे। लैंडर और रोवर इन दिनों में पूरी सक्रियता के साथ इसरो को सूचनाएं भेजेंगे। इस दौरान दोनों चांद की सतह के तापमान, वहां की मिट्टी, खनिज से जुड़े अहम डाटा इसरो के साथ साझा करेंगे। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान और विक्रम ने चांद की सतह पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब वो सवाल अहम हो जाता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसका खोज करके भारत दुनिया को बड़ी सौगात दे सकता है। वो सौगात होगी चांद पर पानी मिलने की। साल 2009 में इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन की जांच के दौरान चांद की सतह पर पानी का पता लगाया था। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान नासा के एक उपकरण की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लग पाया था। इसके बाद से ही भारत की दिलचस्पी चांद में और ज्यादा बढ़ गई। अगर चांद पर पानी की बर्फ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो ये चंद्रमा की खोज के लिए पीने के पानी का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। इससे उपकरणों को ठंडा करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इससे ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है, जिससे मंगल या चांद के खनन मिशनों में मदद मिल सकती है। अगर पानी की पुष्टि होती है तो चांद पर लोगों की कॉलोनी बसाई जा सकती है, खनिजों का खनन हो सकता है। इन सभी वजहों से चंद्रयान 3 के इस मिशन पर दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन की भी नजर बनी हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।